तो नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर का आर टी पी डिस्कशन करेंगे एंटायरली सारे आरटीपी के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो क्वेश्चन नए क्वेश्चन है, है ना थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पहले करा देंगे एंड जो कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी नीड हुआ तो लास्ट में वो भी करा देंगे सबसे पहले हम केस इनार्यू से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर दो केस इनारियों आरटीपी के अंदर ये दोनों केस इनार्यू करेंगे फिर वन बाई वन सारे क्वेश्चन हम कवर अप कर लेंगे कम से कम समय के अंदर चलिए तो सबसे पहले हम केस इनार्यू वन डिस्कस करते हैं ये इंडेक्स वन वन फाइव रेवेन्यू से रिलेटेड है और रेवेन्यू चैप्टर हमें ऐसे भी पता बहुत इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका केस इनार्यू आ सकता है इंडेक्स वन से

तो अब आगे देखते हैं एट फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड सिक्स डी लिमिटेड द लाइवलीहड ऑफ द रिटर्न ऑफ द प्रोडक्ट बाय द कस्टमर द प्रोडक्ट वॉज नॉट रिटर्न बाय कस्टमर बिफोर थर्टी फर्स्टर टू थाउजेंड सिक्स एंड सो द राइट ऑफ रिटर्न फॉर द कस्टमर एक्सपायर्ड ऑन बोथ फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड सिक्स एंड थर्टी फर्स्ट डिसंबर टू थाउजेंड सिक्स कैश सेलिंग प्राइस कितना है वन लाख का रेलिवेंट एनुअल रेट आपका डिस्काउंटिंग करने के लिए टेन परसेंट किया जा रहा है तो यहां पर मुद्दा क्या है कि फर्स्ट अक्टूबर को कोई रिलायबल एविडेंस है ही नहीं है रिगार्डिंग लाइटलीहुड की रिटर्न होगा कि नहीं होगा तो ऐसे सिचुएशन में जनरली हमें पांच एक्सपीरियंस से पता चल जाता है कि कितना रिटर्न होगा उस हिसाब से हम रेवेन्यू बुक करते हैं तो यहाँ पर जबकि फर्स्ट अक्टूबर में आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं रिटर्न के बारे में कोई तो तो फर्स्ट अक्टूबर तो करेंगे? करेंगे तीन महीने के बाद जब कंफर्मेशन हो जाएगा उसके बाद ही रेवेन्यू बुक कीजिए तो तीन महीने के बाद आपको पता चला थर्टी दिसंबर टू थाउजेंड सिक्स को बिल्कुल भी आपका रिटर्न नहीं हुआ तो हम थर्टी फर्स्ट दिसंबर को ही रेवेन्यू बुक करेंगे लेकिन आप मेरी बात सुनो हमने फर्स्ट अक्टूबर को गुड्स तो दे दिया राइट टू रिटर्न के साथ गुड्स तो दे दिया यहां पर तो फर्स्ट अक्टूबर को भी एक एंट्री होगी फर्स्ट अक्टूबर को क्या होगा पता है। आपका इन्वेंट्री जा चुका है आपका इन्वेंट्री एटी थाउजेंड का जा चुका है तो इन्वेंट्री को क्रेडिट करोगे और ऊपर में क्या लिखोगे पता है एसेट फॉर राइट टू रिकवर आपको याद है मैंने इंडेस वन फाइव में पढ़ाया था तो एसेट अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा एट्टी थाउजेंड का मतलब आप इन्वेंट्री जबकि अभी तक हमने सेल रिकॉग्नाइज ही नहीं किया तो आप इन्वेंट्री को तो लेकिन डी रिकोग्नाइज करोगे लेकिन यहां पर सीओजीओ को डेबिट नहीं करोगे क्योंकि सेल अभी तक आपने रिकोगनाइज किया ही नहीं है समझ में आ रहा है सेल अभी तक आपने रिकॉग्नाइज किया ही नहीं है तो यहां पर आप क्या करोगे एसेट को एसेट फॉर राइट टू रिकवर प्रोडक्ट करके आप एसेट को डेबिट करोगे ये मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि कल को अगर मान लीजिए आपका एमसीक्यू में थोड़ा सा चेंज जा आ जाए तो आप कर पाओ क्योंकि ये सब पूछा नहीं गया यहाँ पर क्वेश्चन का पार्ट नहीं है पर फिर भी आपको जानना जरूरी है मतलब द मोमेंट आपने इन्वेंट्री ट्रांसफर कर दिया लेकिन सेल बुक नहीं किए इन्वेंट्री आपका क्रेडिट हो जाएगा आप एसेट अकाउंट डेबिट करोगे पर जितने का इन्वेंट्री उतने का एसेट अकाउंट डेबिट करोगे। फिर दिसंबर को आप देखिए थर्टी फर्स्ट दिसंबर को अनसर्टिनिटी रिजोल्व हो चुकी है अब हमें पता है कि ये रिटर्न नहीं होने वाला तो थर्टी फर्स्ट दिसंबर को अब हम क्या करेंगे रेवेन्यू बुक करेंगे थर्टी फर्स्ट दिसंबर को सीओ जी एस आपका डेबिट होगा कितने का एटी थाउजेंड का एसेट हो जाएगा इस हो जाएगा, का. नहीं हो क्योंकि पहले आपने कर दो तो. और अब रेवेन्यू उस दिन कितने का दिखाओगे आप रेवेन्यू भी तो दिखाओगे उस दिन रेवेन्यू कितने का दिखाओगे आप क्या वन लाख ट्वेंटी का दिखाएंगे नहीं यहां पर टेन परसेंट डिस्काउंटिंग रेट टेन तो परसेंट यह मानेंगे रेलेवेंट एनुअल रेट है आपका टेन परसेंट कोई बोरिंग रेट मानेंगे उस हिसाब से हम क्या करेंगे वन लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड दो साल के बाद ही मिलना हमें पैसा इसका प्रेजेंट वैल्यू वन पॉइंट वन जीरो इक्वल इक्वल दो बार करोगे वन लाख रुपीस आएगा तो वन लाख रुपीज इन्होंने बोल भी दिया क्या सेलिंग प्राइस और वन लाख का या रेवेन्यू

टेन थाउजेंड का रिसीवल फर्स्ट ईयर में बढ़ा है सेकंड ईयर में इलेवन थाउजेंड का बढ़ा है रिसीबल आ गया और जब पैसे मिल जाएंगे तो बैंक टू रिसीबल हम कर देंगे

फिर जब सेल बुक करोगे तो सीओजीएस टू एसेट कर देना आप और इधर आप रिसीबल टू रेवेन्यू कर दोगे वन लाख का कैश सेलिंग प्राइस में फिर उसी रिसीवल में आप इंटरेस्ट चढ़ाओगे फर्स्ट ईयर टेन थाउजेंड सेकंड इलेवन थाउजेंड अल्टीमेटली रिसीबल वन लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड का हो जाएगा फिर पैसे मिल जाएंगे तो बैंक टू रिसीबल दिखा दिया वन लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड अब हम देखते हैं क्वेश्चन ने क्या पूछा हमसे देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा है पॉइंट नंबर वन व्हेन एंड बाय व्हाट अमाउंट द रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड विद रिस्पेक्ट टू सेल्स मेड ऑन फर्स्ट अक्टूबर तो हम क्या करेंगे हम थर्टी फर्स्ट दिसंबर को दिखाएंगे वन लाख रुपीज का हम सेल दिखाएंगे ये वाला हमारा आंसर होगा दूसरा वाला विल बी द अमाउंट ऑफ फाइनेंस इनकम टू बी विद विदेक्ट टू सेल इन दर टू थाउजेंड सिक्स फर्स्ट ईयर की बात कर रहा है ये बात नहीं कर रहा है फर्स्ट ईयर की बात कर रहा है तो फर्स्ट ईयर का तो टेन थाउजेंड हमने निकाला था सेकंड ईयर का क्या होगा सेकंड ईयर का इलेवन थाउजेंड होता एग्जाम में यहाँ पर ये लिख दें तो फिर नहीं होगा फिर इलेवन थाउजेंड होता फिर आगे व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एस ऑन 31 मार्च 2007 अगेंस्ट अ सेल मेड ऑन 1 अक्टूबर 2006 तो यहां पर आप देखो आपका ट्रेड रिसीवेबल्स कब का पूछा जा रहा है 31 मार्च 2007 का पूछा जा रहा है आपसे और आपने सेल्स कब किया 1 अक्टूबर 2006 को किया आपने सेल्स है ना तो हम क्या करें हमने तो यहां पर 1 लाख रुपीस दिखा दिया कब दिखाया था 31 दिसंबर को हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया था 31 दिसंबर 2006 को हमने रिसीवल भी इतना दिखाया था और रेवेन्यू भी कितने का दिखाया था आपको याद होगा थर्टी फर्स्ट दिसंबर को ही हम रेवेन्यू दिखा रहे थे समझ में ये हमने को ही दिखाया था था क्योंकि उसी उसी दिन दिन हुई थी हुआ कि है तो अब थर्टी फर्स्ट मार्च यानी तीन महीने का आपको इंटरेस्ट आना थर्टी फर्स्ट मार्च को तो तीन महीने का इंटरेस्ट क्या होगा वन लाख पे टेन परसेंट तीन महीने का होगा जनवरी फरवरी मार्च तीन महीने का कितना आएगा? टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड आएगा तो आपका रिसीवल कितना हो जाएगा वन लैख प्लस टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड वन लैख टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड आएगा यानी ये वाला आंसर होगा आपका क्योंकि तो आपने फर्स्ट दिसंबर को दिखाया था सॉरी फर्स्ट थर्टी फर्स्ट दिसंबर को थर्टी फर्स्ट डिसंबर को आपने रुपीस का रिसीबल दिखाया था उतने का रेवेन्यू बुक किया था तो तीन महीने का इंटरेस्ट चढ़ेगा तो रिसीबल आपका ईयर एंड में लाख हो जाएगा आई थिंक बात भी आपको समझ में आ गई से रिलेटेड पार्ट का क्वेश्चन था हमने पूरा का पूरा, पूरा अच्छे से समझ लिया हर एक एंगल से मैंने आपको समझा दिया नेक्स्ट पॉइंट नंबर टू अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड फाइव को डीलिमिटेड बिगिन एन अरेंजमेंट टू सेल गुड्स टू ए थर्ड पार्टी बी लिमिटेड कब

एंडिंग टू थाउजेंड सेवन द सेलिंग प्राइस रुपीजी मतलब मैंने आपको, ये बोला है कि मैं आपको दो साल तक गुड्स बेचूंगा हंड्रेड रुपीज पर करके। लेकिन अगर आप करोगे ना तब रेट्रोस्पेक्टिवली मैं 90 रुपीस करके ही चार्ज लगाऊंगा आपका आगे अब हम देखते हैं

क्या पता, आगे जाके आपका 90 रुपे जाए 30 रुपीसलीफ 2007. बोला कि जो नाइन मंथ में जितना ट्वेंटी थाउजेंड हुआ है, उसी के हिसाब लगा लो कि आने वाले और रिमेनिंग फिफ्टी मंथ में कितना सेल होगा तो आप मुझे बताइए अगर नाइन मंथ में आपने ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट बेच दिया नाइन मंथ में तो आप और क्योंकि टोटल टू इयर्स है टू इयर्स मतलब ट्वेंटी फोर मंथ्स तो नाइन मंथ में अगर आपने ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट बेचा तो रिमेनिंग रिमेनिंग मंथ्स में कितना बेचोगे और रिमेनिंगे रिमेनिंग्स मतलब सेवन परसेंट हो जाएगा चलो ठीक है फिर भी और नाइन मंथ में मान लो मैं बेचूंगा ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट्स ठीक है टोटल तो मेरा कितना हो जाएगा और सिक्स मंथ्स बचते हैं और सिक्स मंथ्स में फिर मैं कितना बेचूंगा नाइन मंथ्स में अगर मैंने ट्वेंटी थाउजेंड बेचा है तो सिक्स मंथ्स में और कितना बेचूंगा यानी हम बेचेंगे मतलब हमने हमने क्या कि हमने 9 months में बेचा है और हम इसी तरीके से रिमेनिंग फिफ्टी मंथ्स में भी बेचेंगे तो टोटल हम इतना ही बेचेंगे मतलब ये क्या सिक्सटी थाउजेंड को एक्सीड कर रहे नहीं कर रहे अगर ये सिक्सटी थाउजेंड यूनिट को एक्सीड नहीं कर रहा है तो रेवेन्यू हमारा हंड्रेड रुपीज करके ही बुक होगा ट्रांजेक्शन प्राइस हमारे लिए हंड्रेड रुपीज होगा लेकिन अगर मान लीजिए ये तो क्या ये बात समझ में आई आपको यहाँ पर तो हमने एस्टिमेशन भी लगा लिया यहाँ पर और उस हिसाब से हम रेवेन्यू ट्वेंटी लाख रुपीज हमने बुक कर दिया अब आगे क्या हुआ हाउ एवर इन दर एंडेड टू थाउजेंड सेवन

हमने क्या किया आगे जाके ईयर एंडेड फाइनेंशियल ईयर एंडेड में हमने थर्टी फाइव थाउजेंड यूनिट्स बेच दिए समझ में यहां पर हमने थर्टी फाइव थाउजेंड यूनिट्स बेचे ये फाइनेंशियल ईयर का बता रहा है ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मतलब फाइनेंशियल टू थाउजेंड सिक्स सेवन का बता रहा है तो फाइनेंशियल टू थाउजेंड सिक्स सेवन में हमने कितना बेचा थर्टी फाइव थाउजेंड बेच पहले से ट्वेंटी थाउजेंड बेचा हुआ है

90 रुपीस के हिसाब से रेवेन्यू बुक करना पड़ेगा तो अभी यहां यहां पर पर हम क्या हिसाब करेंगे पता डेट हम हमने फिफ्टी फाइव थाउजेंड यूनिट हमने बेच डाला है और इसका रेवेन्यू हमें नाइन्टी रुपीज करके ही रेवेन्यू दिखाना चाहिए टिल डेट तक हमें क्योंकि टिल डेट रेट्रोस्पेक्टिवली मिला के हम कर रहे हैं फिफ्टी फाइव थाउजेंड यूनिट हमने बेचा है नाइन्टी रुपीज के हिसाब से 49, हमें फोर्टी नाइन लाख फिफ्टी थाउजेंड हमें रेवेन्यू दिखाना चाहिए फोर्टी नाइन हमें रेवेन्यू दिखाना चाहिए लेकिन ऑलरेडी आपने रिकॉग्नाइज कितना कर दिया है लाख आपने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर दिया है. तो आप बैलेंस रेवेन्यू कितना दिखाओगे आप ट्वेंटी नाइन लाख फिफ्टी थाउजेंड आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे और इसकी जनरल एंट्री क्या होगी बताए बैंक में तो देखो आपको पैसे पूरे मिल जाएंगे उज येड रुपीज करके पैसा पूरा ही देगा कितना देगा लेकिन हम रेवेन्यू कितना दिखाएंगे? पता है? हम 29 ,000 ,000 दिखाएंगे. बाकी का कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी होगा कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी ये कैसे आ रहा है टोटल फिफ्टी फाइव थाउजेंड यूनिट पे ये जो टेन रुपीज करके हमारा लिया जा रहा है ना ज्यादा ट्वेंटी थर्टी फाइव मिला के है ना ये पूरा का पूरा मिला के आपका एक्सेस पैसा जो है वो कितना आ जा रहा है फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड ये आपका कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी हो रहा है देखिए बैलेंस मैच भी कर रहा है तो आप अल्टीमेटली रेवेन्यू ट्वेंटी नाइन लाख फिफ्टी थाउजेंड का रेवेन्यू आप दिखा सकते हो अब देखते हैं हम क्वेश्चन है क्या पूछा हमसे वट विल बी द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी रिकोगनाइज इन दर टू थाउजेंड फाइव ये तो हमने निकाला था ट्वेंटी लाख और पूछा सिक्स सेवन में कितना दिखाया जाएगा? 29, आपका के करते हो ना बेहतर लाइब्रेटी कितना होगा अगर मैं आपको ये ना पढ़ाऊं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ऐसे का करवा दू मैं आपको उतना ही पढ़ा दू कल को एग्जाम में कॉन्ट्रैक्ट लाइब्रेटी पूछ ले आप कर ही नहीं पाओगे फिर बात तो इसलिए जरूरी होता है यह सब सारा चीज बता देना ताकि एग्जाम में कैसा भी एमसीक्यू आए आप उसे संभाल सको ये जरूरी होता है इसी स्टाइल में पढ़ाना थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है इससे लेकिन क्लैरिटी बहुत अच्छी आती है चलिए तो हमने ये वाला क्वेश्चन पूरा कर लिया तो क्या अब आप रेडी हो केस सीनालू टू के लिए तब तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए नहीं तो फिर हम केस सीनार्यू टू स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अब केस सीनालू टू डिस्कस करते हैं एम एस जेड एन कंपनी इज एन ऑडिटिंग फर्म ड्यूरिंग हिज ऑडिट द फर्म इज फेसिंग डिफिकल्टी इन अकाउंटिंग ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फॉर विच इट योर एडवाइस

बट नेट डिफाइन बेनिफिटी घटेगा क्योंकि अगर मेरा लेकिन तो नेट डिफाइन बेनिफिट लाइब्रिटी कम हो प्लान एसेट में मैं 7 कर तो का जाएगा थर्टीन हो जाएगा मेरा तो ये समझिए जब भी आप कंट्रीब्यूशन करते हैं ना प्लान एसेट में प्लान एसेट में जब भी हम कंट्रीब्यूशन करते हैं तो वो हमारा प्लान एसेट को तो बढ़ाता है

नेट इंटरेस्ट ऑन नेट डिफाइन बेनिफिट लाइबिलिटी कितना होगा ओपनिंग पे एट परसेंट चढ़ेगा 18.75 पे एट परसेंट देखो ये केस बेस सिनारियो पर मैं तो पूरा सॉल्व करा के समझाऊंगा ताकि एग्जाम में कैसा भी एमसीक्यू बने आप कर पाओ तो 1.5 ये पीएनएल में चार्ज होगा यस ये भी पीएनएल में चार्ज ही होगा आपका क्योंकि लाइबिलिटी में नेट इंटरेस्ट चढ़ रहा है तो नेट इंटरेस्ट ये चार्ज होगा पी में ये भी. फिर क्या बोला इन्होंने बोला नेट लाइब्रिटी आपका ट्वेंटी पॉइंट फाइव करोड़ लास्ट में एस्टिमेटेड है पहले तो हम देख लेते हैं इसके हिसाब से कितना आ है एटीन पॉइंट सेवन फाइव सेवनटीन पॉइंट सेवन फाइव नाइनटीन पॉइंट टू फाइव आ रहा है? है लेकिन इसकी फेयर वैल्यू कितनी है ट्वेंटी पॉइंट फाइव जीरो करोड़ है तो आप बताइए रीमेजरमेंट लॉस आया ना आपका लाइब्रिटी बढ़ रही है यानी एक्चुअल लॉस कितना आया 1.25 सी का एक्चुअल लॉस आया ये एक्चुअल लॉस कहां जाएगा ओ के अंदर जाएगा

डेबिट टू पीनल कितना होगा सेवन पॉइंट फाइव दोनों मिला के सिक्स प्लस वन पॉइंट फाइव जो तो आपका नेट कितना होगा नेट आपका क्या होगा चार्ज होगा नेट डेबिट टू पीनल कितना होगा फिर आपका पॉइंट फाइव तो पॉइंट फाइव डिडक्टेड होगा ये वाला आंसर होगा आपका बात खत्म नेट इफेक्ट क्योंकि नेट एडजस्टमेंट पूछा नेट एडजस्टमेंट पूछा इन्होंने सब कुछ मिला के बता दिया हमने हमने तो निकाल तो निकाला ही ही था। था। ये ना, ना? 1.25 1.25 का का आएगा आएगा देख लो। तो हम इतना अच्छे से सीख रहे हैं कि मैं को तुक्का नहीं लगा ना कुछ भी अब एट नाइन और टेन जो है वो नेक्स्ट पॉइंट से रिलेटेड इस point से related है। ये वाले भी समझा दूंगा फटाफट चलिए ऑन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ई लिमिटेड कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए नॉन करंट एसेट विद एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ ट्वेंटी ईयर्स आपने एक नॉन करंट एसेट का कंस्ट्रक्शन किया फर्स्ट अप्रैल 2000 को मैं एक्स को जीरो मानता हूँ और वाई को वन मानता हूँ आप टू डबल एक्स जीरो भी बोल सकते हो ट्वेंटी ईयर्स द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वॉज रिकोगनाइज इन पी पी एंड डेप्रिशिएटेड अप्रोप्रिएटली ई का लीगल ऑब्लिगेशन है टू रीस्टोर द साइट ऑन विच द नॉन करंट एसेट इज लोकेटेड ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च

लेकिन मैं तो आज प्रेजेंट वैल्यू में बुक करूंगा टू पॉइंट का प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा इन टू पॉइंट सेवन एट होगा तो आपका अगर बैलेंस शीट जो होगा ना बैलेंस शीट से मैं आपको समझाना चाहता हूं बैलेंस शीट में जो भी आपका पीपीए का अमाउंट होगा मुझे नहीं पता क्या है उसमें हम ऐड कर देते प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिस्टोरेशन ठीक है कितना आया ये पॉइंट सेवन एट ताकि ओवर रेट डेप्रिशिएट हो सके और इधर प्रोविजन भी बनाएंगे हम डिसमेंटलिंग का कितने का पॉइंट सेवन एट का ये हम बनाएंगे इन्होंने लेकिन क्या क्या पता है इन्होंने डायरेक्टर्स ने पॉइंट वन टू फाइव का प्रोविजन बना दिया है कैसे 2.5 तो तो एक तो चीज पता चल गई कि क्रेडिट करना पड़ेगा पीएनएल में जो इन्होंने गड़बड़ी मचाई है जो इन्होंने गंध मचाया उसको साफ तो हमें करना पड़ेगा तो इनकी गंध जो है पॉइंट करोड़ की वो साफ हम करेंगे हम पीएनएल में तो ये क्रेडिट करेंगे फिर आगे क्या पूछ रहे देखो

चार्ज होगा डेबिट होगा आपका ये प्रोविजन में भी डिस्काउंट अनवाइंडिंग करेंगे पॉइंट सेवन एट का कितना परसेंट जिस परसेंट से खींचा उसी परसेंट से डिस्काउंट अनवाइंडिंग होगा सिक्स परसेंट इन टू सिक्स परसेंट पॉइंट जीरो फोर सिक्स और ये आपका पीएनएल में ये भी चार्ज होगा पीएनएल में ये भी डेबिट होगा तो आप मुझे बताइए पीएनएल में आप क्रेडिट इतना करोगे और डेबिट कितना करोगे पीएनएल में एक तो डेप्रिसिएशन का नाम का 0.39 और डिस्काउंट एंडवेंडिंग का नाम का 0.468 तो कितना आ रहा है प्लस 0.039 0.0858 तो नेट क्रेडिट टू पीएनएल कितना होगा माइनस -0.125 0.0392 आपका नेट क्रेडिट होगा पीएनएल में मतलब ओवरऑल ईयर एंड में ये आपका पीएनएल में चार्ज होगा डेप्रिसिएशन का नाम का ये अनवाइंडिंग का नाम का पीएनएल में चार्ज होगा ये भी आपका दोनों है ना क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ा रहे प्रोविजन को ये चार्ज होगा और ये जो उन्होंने चार्ज किया उसको हम रिवर्स करेंगे तो अल्टीमेटली इतने का क्रेडिट होगा नेट इफेक्ट ये आपका है यहां पर और आपका ईयर एंड में प्रोविजन कितने का रहेगा अब आप देखो हमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हम कर पाएंगे आराम से

निकाला था हमने ये वट विल द अमाउंट ऑफ वन ईयर अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट अनवाइंडिंग निकाला था ना एक साल का पॉइंट जीरो फोर सिक्स एट कितना सिंपल है भाई हो गया ये आंसर है सी आंसर है ई e, आंसर है बताओ क्या हो गया आराम से तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने स्पीड में कराया फटाफट से कराया मुझे बताइए ये वाला क्वेश्चन भी अगर आपको हो गया तो हम नेक्स्ट इंडस्ट्रियल का ही क्वेश्चन में आएंगे बताओ क्या समझ में आया पूरा का पूरा फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बता दो फिर हम आगे इंडस ट में बढ़ते हैं चलिए नेक्स्ट अब हम इंडस इंडस्टेल करेंगे इंडस इंडस्टेल का क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर इलेवन वन से टेन तो एमसीक्यू पूछा गया था क्वेश्चन नंबर इलेवन अब आ गया इंडस ट्वेल्व का देखिए इनकम टैक्सेस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जा सकता है एक्स लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जिसके पास एक फ्री होल्ड लैंड है मतलब खाली जमीन है एक फ्री होल्ड लैंड है एक लैंड है खाली जमीन कैरिंग वैल्यू किसका कैरिंग अमाउंट कितना हमारे बुक्स में टेन लाख रुपीस है amounts, which is not depreciated for tax purpose. Obviously खाली जमीन में ऐसे भी डेप्रिशिए नहीं होता है तो हम नॉर्मली अपने बुक्स में भी डेप्रीसिएशन नहीं करेंगे और सरकार ने भी बोला कि इसका डप्रीसिएशन टैक्स बेनिफिट आपको हम देंगे नहीं क्योंकि आपका यहाँ पर ये तो जमीन है लैंड में डेप्रिशिएशन नॉर्मली होता नहीं है बट इज इंडेक्स फॉर इन्फ्लेशन लेकिन अगर कल को आप बेचोगे सेल करोगे तो हमें पता है लैंड में हमें इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है

अगर आप उसे ऐसे स्लम सेल आप बेचोगे तब आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा स्लम सेल का मतलब क्या होता है पता है आप इंडिविजुअली लैंड को नहीं बेचो एक पूरी कंपनी है जिसके अंदर लैंड मशीनरी वगैरह सब कुछ है एक पूरी, एक पूरी पूरी कंपनी को ऐसे बेच मतलब लमसम बेचना स्लम सेल का मतलब है लमसम पूरी कंपनी को बेचना इंडिविजुअल एसेट्स एंड लाइब्रिटीज को नहीं बेचना मतलब मेरी कंपनी है मेरी कंपनी में बहुत सारे लैंड है बिल्डिंग है मैंने पूरा कंपनी ऐसे लमसम बेच दिया मैं इंडिविजुअल को नहीं बेच रहा। तो आप जब ऑब्वियसली बात है सरकार अगर आप को तो सरकार आपको बेचेंगे तो क्या सरकार हमें देगी? नहीं देगी मतलब हमारा कैरिंग अमाउंट तो टेन लाख है ही सरकार की नजर में फिर टैक्स बेस भी टेन लाख ही रहेगा क्योंकि इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा यहां पर समझ में आ रहा है तो आपका टेम्पररी डिफरेंस नहीं आएगा नो टेम्पररी डिफरेंस मतलब ना ही टेक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है ना ही डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस है है ना तो मतलब नो डीटी डिटेल कोई डीटीए डिटेल नहीं बनेगा यहां पर आपका बात खत्म यहां पर तो यही आपको बस लिखना है यहां पर तरीके से समझा के कि यहां पर कोई डी टी ए डिटेल नहीं बनने वाला अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर टू एक्स लिमिटेड इंटेंट्स टू सेल द लैंड इंडिविजुअली एंड नॉट ऑन ए स्लम सेल बेसिस आप लैंड को इंडिविजुअली बेचोगे तब तो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिली गई कैरिंग अमाउंट आपका टेन लाख है टैक्स बेस आपका फिफ्टीन लाख होगा फिर आपका जबकि कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट लेस देन टैक्स बेस है तो आपका ये होगा डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस आएगा कितने का फाइव लाख का डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस आएगा और इसका आप डी बनाओगे इसका आप क्या करोगे डी बनाओगे आप इसका अगर थर्टी परसेंट टैक्स रेट दिया होगा अगर तो लाख का 30 आप जस्ट करोगे आपको पता चल जाएगा जो मैं सिखा रहा हूँ वही लिखा तो डन ये भी हमने समझ दिया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड इंटेंड टू सेल सेम आंसर होगा पॉइंट नंबर टू वाला

टेक्सीबल टेम्पर डिफरेंस आएगा कितने का सेवन लाख ,00 का और अब DTL बनाओगे, 7 ,00 का, अब DTL बनाओगे बनाओगे लाख का पर ये ध्यान और एक बात मैं बता दे रहा हूं। जब अब DTL बनाओगे ना तो DTL आपका पीएनएल में नहीं जाएगा यानी पीएनएल नहीं होगा मान लीजिए थर्टी परसेंट है थर्टी परसेंट टू लाख टेन थाउजेंड होगा तो आप पीएनएल टू डी लिख सकते हो क्या नहीं आप पीएनएल टू डीएल नहीं लिख सकते आपको लिखना पड़ेगा रिवॉल्यूशन रिजर्व टू डिटेल क्योंकि आपने ये रिवॉल्यूशन गेन को रिवॉल्यूशन रिजर्व में डाला ओसीआई में तो ये भी रिवॉल्यूशन रिजर्व ओसीआई में जाएगा आपका टू लाख टेन थाउजेंड डीटीएल का आप पीएनएल में चार्ज नहीं कर सकते ये इंडेस ट्वेल्व में भली भांति आपने समझा हुआ है कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है ये क्वेश्चन मैंने पूरा अच्छी तरीके से बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने करा दिया ये रिपीटेड क्वेश्चन है बट फिर भी मैं लास्ट में ये डिस्कस करा दूंगा अभी नहीं करूंगा ये रिपीटेड क्वेश्चन है पहले भी आपको हमारे क्वेश्चन बैंक में भी दिख जाएगा पहले से ये क्वेश्चन आपका एमटीपी में पूछा गया है आरटीपी एम टीपी में ये इंडेस फोर्टी का एक अच्छा क्वेश्चन है ये आपका न्यू क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन है दो मिनट में हो जाएगा एंड ये भी इंडेस टेन का भी अच्छा क्वेश्चन है ये भी मैं आपको अभी कराऊंगा 13, 14 सारे ही कराने हैं हैं भी भी ये ये सब है, कराने आपको सब नए क्वेश्चन 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 आपको आपका है वो भी हम हम में देख लेंगे तो चलो पहले 13, 14, 15 हम देखते हैं। चलो पहले देखते देखते जी नंबर लिमिटेड इज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एपल बैवरेज एंड क्वांटिटी ऑफ एप्पल यानी वो एप्पल बेवरेज आते हैं ना हम क्या क्या देखते हैं ना मुझे नाम ही याद नहीं आ रहा अभी वो एप्पल का आता है ना

द लीज कॉन्ट्रैक्ट आर मेनली ऑफ टू टाइप्स दो अलग अलग प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट दिया और पूछा है कि बताओ क्या एबीसी लिमिटेड जो कि बनाना चाहता है क्या वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या नहीं है देखिए पॉइंट नंबर द ओनर ऑफ द एप्पल ऑर्चर्ड द एप्पल ट्रीज टू प्रोड्यूस एप्पल्स ओनर क्या करेगा खेती वगैरह करेगा एप्पल उगाएगा एबीसी लिमिटेड मेक्स ए फिक्स एनुअल पेमेंट टू द द ओनर ऑफ एप्पल दर्चर्ड एबीसी लिमिटेड के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ऑनर जो है ना उसको खेती करेगा कल्टिवेशन करेगा एबीसी लिमिटेड करेगा हार्वेस्ट का मतलब क्या बताओ तोड़ना जाएगा अपल तोड़ के लेके आ जाएगा हार्वेस्ट इट्समेंट ऑप्पेल तो आप बताइए ये जो एबीसी लिमिटेड ये कुछ नहीं करेगा सोते रहेगा ये बस आखिर में जाएगा और अप्पल तोड़ के ले आएगा तो क्या ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है

यानी खुद ही खेती करेगा खुद ही तोड़ेगा तो कॉन्ट्रैक्ट नंबर टू में हम बोल सकते हैं कि यस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है बट इसमें नहीं है नॉट एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी सिंपल क्वेश्चन था है ना यहां पर एक शब्द लिख के आना आपको एग्जाम में यहां पर एबीसी लिमिटेड नॉट इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम भी तो जो पैदा हुए हम भी तो एक प्रकार का बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है तो वही बात है जिस मां ने हमें जन्म दिया है उन्होंने देखा जाए तो हमारा बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया है तो हम बोल सकते हैं हमारी माँ जिसने हमें जन्म जन्म दिया वही एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करी एक प्रकार से आप समझ सकते हो लेकिन किसी की माँ ने सोचो अगर उसने कहीं से बस उठा के लिया है बच्चे को तो उन्होंने बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया तो वैसे यहां पर बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सेकेंड वाले में एबीसी लिमिटेड खुद से इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ये शब्द आपको एग्जाम एक, में लिख के आना पड़ेगा बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन शब्द एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा इसके मार्क्स होंगे समझ तो में आ गया डन तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया इंडेस फोर्टीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडे टेन क्वेश्चन फोर्टीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट

फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड टू को कितना था कितना होगा टेन लाख डिवाइडी थ्री थाउजेंड थर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री डेप्रीशन थ्री फोर का कितना होगा थर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री डेप्रीशियशन फोर फाइव का कितना होगा 33, थर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री डेप्रीशिएशन फाइव सिक्स का भी होगा थर्टी 33 थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री और इसका कैरिंग अमाउंट आज कितना दिख रहा होगा थर्टी थ्री थ्री थर्टी थ्री इंटू फोर माइनस टेन लाख एट डबल सिक्स डबल सिक्स एट भी लिख सकते हो भी भी लिख सकते फोर भी बना सकते हो, हो बना आप चाहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका कैरिंग अमाउंट है कब? मार्च मार्च का। अब 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 हम आगे बढ़ते हैं, हमें ज़्यादा समझ में आएगा। क्या हुआ? खत्म हो गया, अप्रैल को एच लिमिटेड ने

भारी बरसात हुई थी बरसात के दिन आए और उस दिन आपका लीकेज हुआ तब हमें पता चला द डिस्कवरी ऑफ द फॉल्ट इज एन इंडिकेशन ऑफ इंपायरमेंट सो एच लिमिटेड वॉज रिक्वायर टू एस्टिमेट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ इट्स वेयर हाउस ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सिक्स एस्टिमेट आपका रिकवरेबल अमाउंट सिक्स लाख का यह लाइन भी एक इंपॉर्टेंट है फर्दर मोर एच लिमिटेड री एसेस टू ट्वेंटी मतलब हमने जब वेर हाउस बनाया था तो हमने सोचा ये थर्टी ईयर्स चलेगा बट बाद में पता चला की भैया हमने वेयर हाउस घटिया तरीके से बनाया है और अब हमें पता चला है इसकी लाइफ ट्वेंटी ईयर्स

उसी से पहले हमको लीकेज के बारे में पता चल गया बट आप बोलोगे सर ये तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होना चाहिए क्योंकि आपका थर्टी फर्स्ट मार्च को तो एविडेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता था कोई कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता था मैं बोलता हूँ करता था हमें नहीं पता था एविडेंस ऑफ कंडीशन एग्जिस्टेड एट द एंड पीरियड बट हमें नहीं पता था क्योंकि कंडीशन तो पहले से एग्जिस्ट करती थी वो स्ट्रक्चरल डिफॉल्ट तो पहले से था फॉल्ट तो पहले से था हमें नहीं पता था तो ये एडजस्टिंग इवेंट में आएगा क्यों क्योंकि पहले से ही इसमें खराबी थी हमें नहीं पता था तो एडजस्टिंग इवेंट में आएगा तो उस हिसाब से हमें दो चीजों को करना पड़ेगा एक तो हमें इसको ट्वेंटी ईयर्स ही लेना पड़ेगा थर्टी ईयर हम नहीं ले सकते क्योंकि आपका एडजस्टिंग इवेंट का मतलब ही हम एडजस्ट करेंगे अब एडजस्ट करेंगे ट्वेंटी ईयर्स लेंगे तो ट्वेंटी ईयर्स का रेट्रोस्पेक्टिवली जाके करेंगे हर साल को ठीक करेंगे नहीं रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं करेंगे क्योंकि जो भी आपका यूजफुल पॉलिसी नहीं है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट होता है ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है तो पिछले तीन साल तक जैसे टू थाउजेंड टू थ्री में आपने जो किया वो बिल्कुल सही किया थ्री फोर में आपने उस वक्त जितना आपके पास रिलायबल एस्टिमेट आपने सही किया फोर फाइव में भी आपने सही किया आपका रिलायबल एस्टिमेट था पर फाइव सिक्स में तो जबकि ये एडजस्टिंग इवेंट में आ रहा है ना क्यों कर रहे हम यहाँ पर पता है क्योंकि ये एडजस्टिंग इवेंट में आ रहा है तो हम प्रोस्पेक्टिवली यहाँ पर ठीक करेंगे हम फिर से अब निकालेंगे हम ये मानेंगे कि अभी यहाँ पर हमारा कैरिंग अमाउंट बिगिनिंग का कितना ये तीनों आपका टेन लाख रुपये आपका था माइनस आपका तीन साल का एक लाख रुपया होता है देखा जाए तो एक को मैं फोर पकड़ लेता हूँ चलो एक को फोर पकड़ने में कोई बुराई नहीं है

समझ में तो आपका डप्रीशियेशन आपका फाइव सिक्स का होना चाहिए ड्यू टू एडजस्टिंग इवेंट एडजस्टिंग इवेंट की वजह से हम फाइव टू नाइन फोर वन का डेप्रीशियशन हमें करना चाहिए ऑलरेडी चार्ज हमारा कितना हुआ हुआ है बैलेंस शीट में तो ऑलरेडी चार्ज आपने किया हुआ ही है डबल थ्री डबल थ्री थ्री तो आप कितना और चार्ज कर दोगे वन नाइन सिक्स जीरो एट

ना ही इम्पायरमेंट लॉस होता वो अगले साल होता जो होता सिक्स सेवन में जो भी करना है वो करोगे में में आपका आपका कुछ भी नहीं होता आपका। तो आप सिर्फ और सिर्फ डिस्कलोजर कर दो यहाँ पर नॉन एडजस्टिंग इवेंट में हम सिर्फ और सिर्फ और करते हैं आप चाहे आंसर तो आई से जस्ट रीड कर, कर मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर तो यहाँ पर आपसे पूछा गया पहले वाले पार्ट में अकाउंटिंग एंट्रीज जो आपका इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड एडजस्टिंग इवेंट्स का जो अकाउंटिंग एंट्रीज पूछा ये हमने बता दिया टैक्स को तो इग्नोर करने को बोला और रिक्वायरमेंट भी पूछे हम ये बोलेंगे उस हम हम अब एक और पूछा गया। देखो हाउस में क्रैक लग गया हाउस में फॉल्टी मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग हुआ ना वो कंस्ट्रक्शन हुआ तो उसमें छीदी स्क्रैप हो गया मतलब उसमें गड्ढा हो गया कहीं पर सीपेज हो गया पानी लीक कर रहा है तो पानी लीक होने की वजह से इन्वेंट्री वन लाख का जो कॉस्ट प्राइस का था वो अनसेलेबल हो गया खराब हो गया आपका इन्वेंट्री एंटायर डैमेज इन्वेंट्री वॉज ऑन हैंड मार्च एसेंड सिक्स ने कोई इंश्योरेंस नहीं करा है अगेंस्ट एनी ऑफ द लॉसेस तो अब ये इन्वेंट्री का क्या करें ये भी वन लाख रुपीज का क्या हम एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे हम बोलेंगे नहीं ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है क्यों भला क्योंकि इन्वेंट्री बोलेगा मैं पहले से फॉल्टी प्रोडक्ट नहीं था वो तो बिल्डिंग में दिक्कत थी वेयर हाउस पहले से फॉल्टी प्रोडक्ट मैं तो पहले ठीक ही था थर्टी फर्स्ट मार्च को तो ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट ठीक ही था थर्टी फर्स्ट मार्च के बाद भारी बारिश आई भारी बारिश है किसकी वजह से बिल्डिंग में फॉल्ट होने की वजह से और उसके बाद में बर्बाद हुआ हूं मतलब आप ये समझ लो जो वेयर हाउस है वो तो पहले से ही बीमार था इसलिए उस पर एडजस्टिंग इवेंट लगा लेकिन इन्वेंट्री पहले से बीमार नहीं हुआ इन्वेंट्री बीमार क्यों हुआ वेयर हाउस की खराबी की वजह से वेयर हाउस की खराबी की वजह से थर्टी फर्स्ट मार्च के बाद बारिश हुई और थर्टी फर्स्ट मार्च के बाद बारिश होने के बाद इन्वेंट्री खराब हुआ

अंडरस्टैंडिंग मैंने पूरा आपको दे दिया यहां पर नहीं देखोगे तो भी अपने हिसाब से भी लिख के आ सकते हो डन तो अब हम इंडेस थर्टी सिक्स का क्वेश्चन हम करेंगे यस क्वेश्चन नंबर करेंगे 16 आपका ऑलरेडी बुक में है मैंने क्लास में भी करवाया था एंड फिर भी लास्ट में मैं देख दूंगा वापस से आप लोग को सेवनटीन हम करेंगे बहुत ईजी है एटीन भी आपका हम करेंगे अच्छा क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है नाइनटीन आपका पहले से किया हुआ है पर फिर भी हम लास्ट में देख के करने की कोशिश करेंगे एकदम लास्ट में क्योंकि बहुतों का पहले से किया हुआ है वो उसको पहले ही विदा कर देंगे ट्वेंटी भी नया क्वेश्चन हम कर लेंगे चलो जी तो अब हम आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर में ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है देखो एस्ट मार्च टू थाउजेंड वन दीजूंग्रीव्यूड फॉर द द कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितने का है आपका कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजी सी का नेट एसेट्स का कैरिंग अमाउंट कितना है सिक्सटी फाइव लैक है ठीक है एक्सक्लूडिंग एनी रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन मतलब अगर कोई प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट आपका वो तो इंडस्टीजन में हम देखते हैं अगर हम कोई अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से हमने कोई एम्प्लॉय को निकालने की बात की है हम यूनिट को बंद कर रहे हैं तो जहां पर हमारा ऑब्लिगेशन आ गया कि हमें पैसे भरने पड़ेंगे हम उसे हम अवॉइड नहीं कर सकते अन कॉस्ट है तो उसका हम रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन हम बनाते हैं तो वो तो डिपेंड करेगा इंडस्टर्टी सेवन में जब आपने पढ़ा है वहां पर डिपेंड करेगा कि प्रोविजन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए उसके लिए हम चेक करेंगे वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट किया है और हमारा रीस्ट्रक्चरिंग का क्या क्या खर्चा आ रहा है इंडस थर्टी सेवन में एक दो क्वेश्चन भी इसका किया हुआ है आप लोगों ने तो प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग अगर होगा तो कहानी अलग होगी नहीं होगा तो कहानी अलग होगी यहां पर इन्होंने आपसे ये नहीं पूछा है कि प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट बनाना है कि नहीं बनाना ये नहीं पूछा इन्होंने इन्होंने बोला कि अगर आपने प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट लिया है प्रोविजन बनाया है

कॉस्ट ऑफ रुपीज थ्री लाख टू थाउजेंड टू बोला री स्ट्रक्चरिंग ऑफ रुपीजन लाख पर एनम फ्राम टू थाउजेंड थ्रीवर्स मतलब टू थाउजेंड टू में री स्ट्रक्चरिंग का खर्चा करोगे थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड और आगे आपको मिलेगा आगे जाके नेक्स्ट साल से हर साल वन लाख कांग मिलेगा टू थाउजेंड थ्री ऑनवर्ड आपको पता दे है आपका पहले साल का तो एट लाख सेवेंटी थाउजेंड ही कैश फ्लो था लेकिन थाउजेंड अब रीस्ट्रक्चरिंग का खर्चा करोगे ना इसलिए फाइव लाख ट्वेंटी थाउजेंड आया और अगर रिस्ट्रक्चरिंग का खर्चा नहीं करोगे तो एट लाख सेवेंटी थाउजेंड रहेगा और यहां पर भी रिस्ट्रक्चरिंग का खर्चा नहीं करोगे तो नाइन लाख ,00 का कैश फ्लो होगा लेकिन आपको याद है ऊपर पढ़ा था अगर हम रिस्ट्रक्चरिंग में थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड खर्च करेंगे तो हर साल वन लाख का सेविंग होगा यानी वन लाख का कैश फ्लो बढ़ेगा तो वही देख लो रिस्ट्रक्चरिंग का थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड खर्च करने की वजह से यहाँ नाइन लाख है तो यहाँ टेन लाख है या नाइन लाख फिफ्टी थाउजेंड तो यहाँ टेन लाख फिफ्टी थाउजेंड है या नाइन फिफ्टी है तो यहाँ टेन फिफ्टी है या नाइन फिफ्टी तो टेन फिफ्टी देखो हर साल वन लाख रुपीज यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है तो अगर हम प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग बनाएंगे तो मेरी बात ध्यान से सुनो अगर मैं प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग बनाऊं तो मेरा थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड का खर्चा लगेगा अगर मैं नहीं बनाऊं नो प्रोविजन तो मेरा कोई खर्चा नहीं लगेगा तो यहां पर मेरा कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजू क्या होगा पता है यहां पर मेरा कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजू होगा एक तो सिक्सटी लाख का कैरिंग अमाउंट ही

अगर रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन बनेगा तो लाइब्रिलिटी होगा ना तो लाइब्रिलिटी तो आपका कैरिंग अमाउंट से कम हो गई तो कैरिंग अमाउंट आपका होगा होगा इधर आपका लाख अब मुझे निकालना है रिकवरेबल अमाउंट इधर कितना रिकवरेबल अमाउंट आएगा इधर कितना रिकवरेबल अमाउंट आएगा जो रिकवरेबल अमाउंट आएगा उसके बेसिस में मैं पता कर लूंगा उसके बेसिस में मैं पता कर लूंगा इंपायरमेंट लॉस कुछ होना है कि नहीं होना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा ये सारे कैश फ्लो दिए इसका प्रेजेंट वैल्यू में वैल्यू न्यूज आ जाएगा मेरा तो इसको प्रेजेंट वैल्यू में खींचेंगे वैल्यू न्यूज आ जाएगा किस रेट से खींचना है फोर परसेंट के रेट से खींचना है तो फोर परसेंट के रेट से खींचोगे वैल्यू न्यूज आ जाएगा ये मैं आपको करके नहीं दिखा रहा ये मैं आपको सीधा आई का सोल्यूशन दिखा दे रहा हूँ प्रेजेंट वैल्यू क्योंकि इतना टाइम अभी कौन लॉस करेगा प्रेजेंट वैल्यू खींचने में ये देखो इन्होंने फोर परसेंट से सभी कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में खींचा और बोला कि रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन होने पर आपका इतना कैशो है और नहीं होने पर आपका इतना वैल्यू न्यूज है देखो वैल्यू न्यूज निकाला। तो यही आपका सेलिंग, सेलिंग, मतलब आपका फेयर वैल्यू माइनस तो दिया नहीं है तो हम न्यूज को ही अमाउंट मान लेंगे तो रिकवरेबल कितना इधर आ आ रहा 65, 14, 000, आ रहा इधर इधर तो है आपका कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं है क्यों क्योंकि कैरिंग अमाउंट से बड़ा है रिकवरेबल अमाउंट

इंपेयरमेंट लॉस कितना आएगा टू लाख थर्टी सेवन थाउजेंड का इम्पायरमेंट लॉस आएगा तो देख लो आप यहां पर अब मैं आईसी का सोल्यूशन दिखा देता हूं क्या हो गया एक बार को आईपेड काम नहीं कर रहा यस अभी देखो अगर रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन बनाओगे तो पीएनएल में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में में आपका रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन तो पी में चार्ज हो गई इन इंपेयरमेंट लॉस कुछ भी नहीं होने का लेकिन अगर आप रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन नहीं बनाओगे तो रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन का तो कोई खर्चा नहीं है पर इंपेयरमेंट लॉस आपका चार्ज होगा टू लाख ट्वेंटी तो मैंने निकाला था तो सब निकाल के तो दिखाया था ये देखो टू लाख ट्वेंटी था मैंने गलती से टू लाख थर्टी से तो ये मैंने रफ में इधर लिखा है ये ऑलरेडी आपको सोल्यूशन में आरटीपी के पीडीएफ में मिल जाएगा आपको ये तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया अगर री कॉस्ट रिकॉग्नाइज करोगे तो इंपेयरमेंट लॉस नहीं बट प्रोविजन का खर्चा है थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड अगर रिकॉग्नाइज नहीं करोगे तो आपका प्रोविजन का तो खर्चा नहीं है पर इंपेयरमेंट लॉस आ रहा है टू लाख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड का तो वो लिख दिया हमने अब ये सिक्सटी नंबर क्वेश्चन लास्ट में करा दूंगा ये ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन में भी है पहले का क्वेश्चन है मैंने क्लास में करवाया भी है और अभी हम क्वेश्चन नंबर सेवनटीन करेंगे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कराऊंगा कराऊंगा अभी पहले फिर फिर एक साथ करेंगे फिर 19 लास्ट में में वो वो भी का, वो भी है का कर लेंगे वो भी क्वेश्चन करते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन ऑन फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड वन एक्स वाई लिमिटेड पावर जनरेशन फैसिलिटी कंप्लीट कर दिया कंस्ट्रक्शन टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपका टू करोड़ का फर्स्ट अक्टूबर को कंप्लीट कर दिया तो मैं बैलेंस शीट के जरिए आपको अच्छे से समझाऊंगा इसी ने छोरी लिखा है वैसे थ्योरी आप एग्जाम में लिख सकते हो फर्स्ट अक्टूबर को आपका टू करोड़ का आप पीपी -पी दिखाओगे फैसिलिटी ऑफ केपेबल है

और इसमें आपका ऐड हो जाएगा क्या प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन फोर्टीन लाख ट्वेंटी थाउजेंड हो जाएगा भी आ जाएगा टू करोड़ फोर्टीन लाख ट्वेंटी और प्रोविजन भी इधर आप बनाओगे उतने का फोर्टीन लाख ट्वेंटी थाउजेंड का अब ईयर एंड में क्या करोगे ईयर एंड में डेप्लीशियशन होगा छह महीने का कितना डप्लीशिएशन होगा टू वन फोर टू जीरो ट्रिपल जीरो फोर्टी ईयर में डेप्लीशियन होगा टू सिक्स बाई ट्वेल्व यानी डिवाइड बाई एट्टी करने से हो जाएगा टू वन फोर टू जीरो ट्रिपल जीरो मैं सीधा डिवाइड बाई एटी करके निकाल सकता हूँ टू सिक्स सेवन सेवन फाइव जीरो माइनस टू वन फोर टू जीरो ट्रिपल जीरो टू डबल वन फाइव टू टू फाइव जीरो ये आपका कैरिंग अमाउंट होगा थर्टी फर्स्ट मार्च को और इसमें अनवाइंडिंग होगा

ये भी पी में चार्ज होगा तो टोटल पी में चार्ज ये दोनों अमाउंट मिला के टोटल पी एन एल में चार्ज होगा इतना ऐड होगा तो मैंने ये पूरा आपको समझा दिया क्वेश्चन में जो पूछा गया था समझा दिया और पूछा एक्सप्लेन करो और शो करो हाउ द इवेंट वुड बी रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपको यहाँ पर थ्योरी में लिख के समझाना जैसे आईसी ने समझाया देखो मैं दिखा देता हूँ सब निकाला हमने ने वो लिखा कि कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है लेकिन आपकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है जो जो मैं हाईलाइट करूँ वो एग्जाम प्रोविजन बनाओगे नॉन करंट लाइबिलिटी में प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग बनाओगे और आपका थर्टी फाइव फाइव का अनवाइंडिंग होगा मैंने निकाला था और फिर आपका क्लोजिंग प्रोविजन फोर्टी फाइव फोर्टीन फिफ्टी फाइव फाइव आया था क्या दोनों मिला के आया था ना

तो इसलिए आप अंडरस्टैंडिंग रखोगे ना इस प्रकार बैलेंस की तो एग्जाम में आपका कोई टेंशन है ही नहीं आप आराम से संभाल लोगे ये सब क्वेश्चन अब क्वेश्चन नंबर एटीन में माते देखो क्वेश्चन नंबर एटीन भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटीन कराने से पहले मैं छोटा सा प्यादा सा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी को निपटा देता हूं आपको भी मजा आएगा आप भी बोलोगे सर वाह बहुत अच्छा किया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी निपटा दिया और इस क्वेश्चन में ऐसे की प्रॉब्लम भी है मेरे नजर में ये सोल्यूशन गलत है मैं आपको बता रहा हूँ देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आपको बता भी देता हो और कैसे करना एग्जाम में वो भी बता दूंगा देखो पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड एंटर्स इंटू ए कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट किया इन्होंने टू बाई ए बिल्डिंग डेट इज ट्वेल्व फ्लोर टोटल ट्वेल्व फ्लोर है ठीक है यानी अरेंजमेंट हुआ है टोटल ट्वेल्व फ्लोर है विच दे विल अदर पार्टीज

वो व्हीकल में बी एंटिटी हो सकती है कंपनी हो सकती है ट्रस्ट हो सकता है पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है एल हो सकता है कुछ भी हो सकता है इन्हें सेपरेट एंटिटी फॉर्म होनी चाहिए एक लीगल स्ट्रक्चर होना चाहिए उसका तो सेपरेट व्हीकल यहाँ पर फॉर्म नहीं हुआ साफ पता चल रहा है इन्होंने बारह फ्लोर का इन्होंने बिल्डिंग खरीदा है लेकिन इन्होंने सेपरेट व्हीकल नहीं बनाया तो जबकि इन्होंने सेपरेट व्हीकल नहीं बनाया तो ये ज्वाइंट ऑपरेशन ही होना चाहिए ज्वाइंट वेंचर नहीं हो सकता ये क्योंकि ज्वाइंट वेंचर के लिए इट इज मस्ट की सेपरेट व्हीकल होना चाहिए बट आईसी ने क्या किया बता आईसी ने बोला कि जबकि नेट एसेट में आपका हिस्सा है इसलिए बोला कि वैसे जॉइंट वेंचर मानो तो आप भी एग्जाम में ये मान लेना कि चलो ठीक है नेट एसेट में हिस्सेदारी मिल रही है इंडिविजुअल एसेट्स एंड लाइब्रेटीज में हिस्सेदारी नहीं है हम बोलेंगे इसका आंसर ज्वाइंट वेंचर होगा प्रोवाइडेड लास्ट में लिखना सेपरेट व्हीकल इज फॉर्म्ड मतलब आप लिखना आपका आंसर प्रेजेंटेशन ऐसे होगा सिंस दोनों एंटिटीज का अरेंजमेंट के नेट एसेट्स में अधिकारी विद रेस्पेक्ट टू टू फ्लोर तो ये जॉइंट वेंचर की तरफ इशारा कर रहा है प्रोवाइडेड सेपरेट व्हीकल फॉर्म हुआ हो तो 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 अगर सेपरेट व्हीकल फॉर्म हुआ हो तो ये जॉइंट वेंचर होगा और साथ साथ हमें अदर फैक्स एंड सर्कमस्टेंसेस को भी देखना है कि कहीं वो ज्वाइंट ऑपरेशन की तरफ तो इशारा नहीं कर रहा आपको याद होगा हम देखते थे हम लीगल एग्रीमेंट लीगल अरेंजमेंट भी देखते थे हम देखते थे कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशन देखते थे अदर फैक्ट एंड सरकमस्टेंसेज देखते थे उन सभी को कंसिडर करने के बाद हम नतीजे में, में पहुंचते थे कि वो जॉइंट वेंचर है या नहीं, नहीं। तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी मैंने आपको करवा दिया आई थिंक आपको समझ में आ गया ये अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर एटीन पे आ जाओ बाबा आइए क्वेश्चन नंबर एटीन करते हैं एक्स लिमिटेड कमेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्लांट क्वालिफाइंग एसेट ये ऑन फर्स्ट सेप्टेम्बर एस्टिमेटेड टू कॉस्ट रुपीज करोड़

कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कैश आउटफ्लो दिया हुआ है, पेड इन एडवांस एट द द स्टार्ट ऑफ़ ईच मंथ। तो दो अलग अलग डेटा दिया हुआ है, तो बच्चा कंफ्यूज जरूर होगा कि कौन सा तो आपको ये पता होगा, हम क्या देखते थे स्टार्ट होता है? जब आप एक्सपेंडिचर करोगे एक्सपेंडिचर आपका इनकर होना चाहिए और एक्सपेंडिचर का मतलब आपने कैश का पेमेंट किया है लाइबिलिटी कुछ ऐसे ट्रांसफर किया है कोई लाइबिलिटी एज्यूम किया तभी वो एक्सपेंडिचर माना जाता है इसलिए यहाँ पर ऐसे तो हम पूरे basis of करते हैं बट फॉर द ऑफ कैपिटलाइजेशन परपज के लिए को कोई काम नहीं है तो क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट सी बात है आपका पैसा अपने फंड बोरो किया तभी तो आपका इंटरेस्ट लग रहा है तो फंड्स खर्चा करोगे तभी कैपिटलाइजेशन मिलेगा तो यहां पर आप ये ध्यान रखिए एक्सपेंडिचर जो इनकर किए सोरिया एक्सपेंडिचर जो आपने इनकर किया ना उसके बेसिस में ही आपको कैपिटलाइजेशन मिलेगा मैं आपको ये चीज समझा भी देता हूं जो इन्होंने लिखा हुआ वो भी मैं पहले समझा देता हूं फिर मैं वर्किंग आपको दिखाऊंगा देखिए इनडेस ट्वेंटी थ्री ये बोलते हैं एक्सपेंडिचर आप करोगे तभी कैपिटलाइजेशन होगा और एक्सपेंडिचर इंक्लूड क्या करता है ओनली दोस्पेंडिचर डेट ये मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है

अमाउंट निकाला कि कितना बोरिंग को कैपिटलाइज होना चाहिए पर वो आपका कॉल है मैं आपको बोलूंगा एग्जाम में टाइम बचाना है तो अभी काम करना पहले सीधा लिख देना कि एक्सपेंडिचर के बेसिस में हम कैपिटलाइजेशन करते हैं तो हम इसी के बेसिस में हम कैपिटलाइजेशन करेंगे ये हमारे लिए काम की चीज नहीं है तो एक सितंबर को आपने 3 करोड़ का खर्चा किया तो 3 करोड़ पे आप 11% कैपिटलाइज करोगे कितने महीने का जनरल बोरिंग है तो टाइम पीरियड मायने रखते हैं सितंबर मतलब फर्स्ट सितंबर समझ लीजिए मार्च तक कितना महीना होता है इंटू सेवन बाइ जनवरी फरवरी मार्च इलेवन परसेंट थ्री मंथ होगा जनवरी से लेके मार्च तक का टाइम पीरियड लगता है इंटू इलेवन परसेंट वन बाय ट्वेल्व होगा आपका तो इससे आपका आ जाएगा कि कितना आप बोरिंग कैपिटलाइज कर सकते हो वो मैं यहीं से देख के बता देता हूँ अच्छा, तो वैसे निकाला हम डायरेक्ट हमारा पॉइंट फोर फोर करोड़ आएगा आप देख लेना इन्होंने तो पहले वेट निकाला फिर वो किया मैंने तो सीधा रेट भी लगाते गया ना मैं तो आप यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर रेट बाद में भी लगा सकते हो ये रेट एक क्योंकि सब में कॉमन इलेवन परसेंट लग रहा है तो आप चाहो तो डायरेक्ट वो वैल्यू निकाल के फिर इलेवन परसेंट निकालना ले तो यहाँ पर आपका सीधा ही पॉइंट फोर फोर जबकि ये लेस देन करोड़ है तो ये आपका एंटायर अमाउंट कैपिटलाइज हो जाएगा, थूर जाएगा, थूर जाएगा। तो आपका आपका तो जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लगा वो तो कैपिटलाइज हो गई कितना कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो लगा है। आपका जो खर्चा लगा वो तो कैपिटलाइज हो गई आपका साथ में आपका बोरिंग कॉस्ट भी पॉइंट फोर फोर आपका कैपिटलाइज हो जाएगा ठीक है ये सारा आपका खर्चा लगा जितना खर्चा क्योंकि हमने पढ़ा है पीपी -पी को इज करते जितना हमने कॉस्ट इनकर किए तो कॉस्ट फोर पॉइंट पॉइंट सेवन अगर इतना ही कॉस्ट और लगना तो और बाद में कैपिटलाइज होगा वो चीज उन्होंने बताया भी नहीं इसकी जरूरत भी नहीं इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे ये दिखाए कि वो दिखाए वो तो अल्टीमेटली फाइनली जितना खर्चा आपका लगा है एक्रूअल बेसिस में वो फिर भी ले सकते हैं हम क्योंकि हमारा हमें कुछ पैसा बाद में देना तो भी ठीक है तो जो भी खर्चा हमारा लगा उस हिसाब से लेंगे हम और बोरिंग कॉस्ट हो तो पॉइंट फोर फोर करोड़ का आपका कैपिटलाइज होगा तो अब देख सकते हो पॉइंट फोर फोर करोड़ हमारा कैपिटलाइज होगा शुड नॉट एग्जिट एग्जिट करोड़ नहीं होगा इससे एग्जिट नहीं होना चाहिए इतना ही कैपिटलाइज होगा पॉइंट फोर फोर करोड़ आपका कैपिटलाइज होगा इन्होंने इतना लंबा चौड़ा आंसर दिया ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में शॉर्ट में लिखना इतना लंबा चौड़ा छह मार्क का क्वेश्चन आएगा छह मार्क्स के लिए थोड़ा ना इतना लिख देंगे तो बोलोगे सर आईसी इतना लंबा क्यों लिखता है आपको समझाने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए वो लिखता है इतना अदरवाइज इतना लंबा की जरूरत नहीं है तो अब हमारा ये एटीन भी हो चुका अब हमारा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन बचता है ये क्वेश्चन नंबर नाइनटीन अभी हम कर लेंगे और इसके अलावा हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पहले कर लेते हैं फिर नाइनटीन कंसोलिडेशन वाला भी हम कर लेंगे चलो क्वेश्चन ट्वेल्व दो ही क्वेश्चन करने सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने

116 में कि वो फिजिकली ऑप्टिक केबल या ये सब नहीं होते तो वहां पर हम इस्तेमाल की गई है क्या है ना और सारा सारा बेनिफिट आप ही अगर उठा रहे हो तब उसे हम फिजिकली डिस्टिंग मान लेंगे तो वैसे यहां पर आप देखिए यहां पर जो डेडिकेटेड केबल जो दिया गया है वो डेडिकेटेड केबल को ये रिप्लेस करने का राइट तो है लेसोर के पास पर लेसोर के पास प्रैक्टिकल एबिलिटी नहीं है सिर्फ राइट right होने से नहीं चलेगा सब्सटेंटिव होना पड़ेगा वो सब्सिट्यूशन राइट right है पर सब्सटी राइट सब्सटेंटिव भी होना पड़ेगा बट ये नहीं है क्यों क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल एबिलिटी नहीं है क्यों प्रैक्टिकल एबिलिटी नहीं है क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा इनकर लग जाएगा जितना इसको बेनिफिट नहीं मिलेगा उतना उसका कॉस्ट इनकर हो जाएगा तो यहां पर हम ये बोलेंगे यहां पर हम सबसे पहले बताएंगे ये फिजिकली डिस्टिंक्ट है क्यों क्योंकि सब्सटेंशली सारा कैपेसिटी इसी को दिया जा रहा है डेडिकेटेड केबल ये डेडिकेटेडली उसी को दिया गया और फिर हम सब्सटेंटिव सब्सटीट्यूशन राइट वाला ज्ञान भी लिखेंगे हम बोलेंगे राइट तो right है पर सब्सटेंटिव नहीं हो क्योंकि उसके पास प्रैक्टिकल एबिलिटी नहीं क्यों प्रैक्टिकल एबिलिटी नहीं है क्योंकि अगर ये ऐसा करेगा तो उसका कॉस्ट ज्यादा इनकर होगा जितना फायदा नहीं होगा कॉस्ट मोर देन बेनिफिट तो इस वजह से जबकि राइट सब्सटेंटिव नहीं है हम बोलेंगे लीज के स्कोप के अंदर आता है और ये इंडेस वन वन के स्कोप के अंदर आएगा और हम इसका लीज अकाउंटिंग करेंगे सीनारी टू में बोला बोला कि अगर मान लो प्रैक्टिकल एबिलिटी है रिप्लेस करने के लिए कि ये बेनिफिट भी इसको अच्छा खासा मिलेगा तब के आंसर डिफरेंट होगा तब हम बोलेंगे यस स्कोप ऑफ द लीज से बाहर हो जाएगा क्योंकि अगर सब्सटीट्यूशन राइट सब्सटेंटिव है तब ये लीज माना ही नहीं जाएगा और ये इंडेस के स्कोप से बाहर चला जाएगा तो सीनारियो वन में इंडेस वन वन सिक्स के स्कोप के अंदर रहेगा सीनारियो टू में स्कोप के बाहर हो जाएगा क्योंकि सब्सटेंटिव सब्सटीट्यूशन राइट है क्योंकि प्रैक्टिकल एबिलिटी है बोल दिया गया और इससे इसको बेनिफिट भी मिलेगा अब केस नंबर टू पे देखते हैं देखो

अच्छा एंटिटी वाई के पास एक्स्ट्रा फाइबर भी है जो मुंबई से दिल्ली गया एक्स्ट्रा फाइबर है बट कैन सब्सटीट्यूट फॉर कस्टमर्स ओनली फॉर रीजन ऑफ रिपेयर माल फंक्शन मतलब हमें ये देखना था कि जैसे आपका एंटिटी जो है ना एंटिटी ने मुंबई से दिल्ली तार भेजे उसमें कुछ कुछ फाइबर अपने लिए भी रख लिया तो वो फाइबर जो अपने लिए रख लिया अगर ये किसी थर्ड पार्टी को दे पाता तब तो बोलते कि कस्टमर के पास सब्सटेंशियली सारा कैपेसिटी यूज ही नहीं कर रहा कोई और भी यूज कर करे तब हम बोलते कि फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं है लेकिन ये जो एक्स्ट्रा फाइबर है ये भी उसी कस्टमर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा इन केस ऑफ माल फंक्शन या फिर मेंटेनेंस तो यहां पर हम बोलेंगे कि डेडिकेटेडली ये पूरा का पूरा जो फाइबर है जो भी है ये डेडिकेटेडली देखा जाए तो पूरा कस्टमर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और जो बचा कुछ है वो भी जब जरूरत पड़ेगी तब कस्टमर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा माल फंक्शन के समय में तो हम ये बोल सकते हैं कि यस ये आपका सब्सटेंशियली सारी कैपेसिटी इस्तेमाल हो रही है और यहाँ पर राइट भी सब्सटेंटिव नहीं है क्योंकि ये तो सब्सटीट्यूट करेगा नहीं तार भी उसी कस्टमर के लिए रखा हुआ है तो हम अब एक बार गो कर मेरा काम समझाना मैंने समझा दिया आपको केस नंबर थ्री कस्टमर एक्स एंटर्स इंटू ए टेन ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद एंटिटी वाई फॉर द राइट टू कैपेसिटी विद इन केबल कनेक्टिंग मुंबई टू दिल्ली तो यहां पर देखो पूरा नहीं बोला कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ कैपेसिटी बोला यानी सबस्टेंशियली ऑल द कैपेसिटी नहीं दे रहा है, फाइबर का ये केबल का पूरा कैपेसिटी नहीं दे रहा कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ कैपेसिटी दे रहा है ये द स्पेसिफाइड अमाउंट इज इक्विवेलेंट टू कस्टमर एक्स हैविंग द यूज ऑफ द फुल कैपेसिटी उसे कस्टमर एक्स का फुल कैपेसिटी यूज होगा उसे में मतलब नहीं है लेकिन वो तार पूरा का पूरा तो कस्टमर के लिए यूज नहीं हो रहा है ना केबल आगे केबल कंटेंट मल्टीपल फाइबर्स विदिलर एंटीटी में आएगा क्या हम बोलेंगे नहीं आएगा ये क्यों नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर फाइबर वगैरह में लाइट देना डिसीजन लेने का भी एन टी टी वाई के पास अधिकार है यूज right भी एन टी टी वाई ले और दूसरी बात ये आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है क्यों क्योंकि सब्सटेंशियली ऑल द कैपेसिटी कस्टमर यूज नहीं कर रहा है तो ये ना ही आइडेंटिफाइड एसेट है और दूसरी बात कंट्रोल भी कौन कर रहा है कहीं ना कहीं एंटिटी वाई ही कंट्रोल कर रहा है क्योंकि राइट टू डायरेक्ट द यूज सारा डिसीजन कौन लेगा एंटिटी वाई लेगा तो राइट टू डायरेक्ट द यूज भी एंटिटी वाई के पास है कस्टमर के पास नहीं है एंटिटी के पास है तो ये कस्टमर कंट्रोल यहां पर नहीं कर रहा तो ये लीज के स्कोप से बाहर हो जाएगा ऐसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही थ्योरी क्वेश्चन है आने का चांस कम है पर फिर भी मैंने आपको करवा दिया क्वेश्चन समझा दिया आप उस अंडरस्टैंडिंग से लिख सकते हो या फिर आईसी का आंसर जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना जो मैंने समझाया वही मिलेगा वहां पर तो सभी कुछ मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए बस एक क्वेश्चन अब आपका बचता है डेट इज वॉट एक ही क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है फटाफट ये क्वेश्चन भी आपको मैं अभी करवा देता बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मैंने आपको जिस तरीके से समझाया था उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसे तो याद है मैंने बोला अगर पीसी की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले स्टेप में आप पीसी निकालो ये कॉन्सोलिडेशन में स्टेप रखोगे पीसी निकाला फिर दूसरा प्री एंड पोस्ट किया विथ नेसेसरी एडजस्टमेंट जो भी आपका फेयर फेयरवेल एडजस्टमेंट करना प्री एंड पोस्ट किया प्री एंड पोस्ट करने के बाद आप एनसीए निकालोगे एक्विजिशन डेट का और कॉन्सोलिडेशन डेट का एनसीए निकालोगे फिर आप गुडविल निकालोगे और गेन बार्गेन कैलकुलेशन किया प्री पोस्ट बंटवारा किया हमने एनसीआई हमने पता किया एक्विजिशन कॉन्सोलिडेशन डेट का गुडविल निकाला अदर इक्विटी निकाला फिर बैलेंस शीट अपने आप बनेगा बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं अपने पेरेंट का तो सारा साराड लाइबिलिटी कैपिटल अदर इक्विटी दिखा सारा सारा का एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को छोड़ के सारा हुबा दिखा दू क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी प्री पोस्ट में वो अब जब गुडविल निकालोगे तब उसका एडजस्टमेंट हो जाएगा उस पर तो पेरेंट का क्या करेंगे पेरेंट का ऑल आइटम्स लेंगे एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी ये सब पहले से बताया हुआ और सब्सिडरी का हम क्या करेंगे सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज लेंगे विद फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट और वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट प्री पोस्ट करते समय आप लाइब्रेटीज लिया जाएगा और ये करने के बाद फिर हमें क्या करना ये जो एनसीआई निकाला डाल देंगे ये गुडविल निकाला डाल देंगे अदर इक्विटी डाल देंगे बात खत्म ये तीन चीजें डालना होता है कैपिटल रिजर्व है तो कैपिटल रिजर्व ये तीन चीज डालेंगे बैलेंस शीट हमारा मैच होना ही हंड्रेड परसेंट आपका मैच होना है तो अब वही तरीके से हम यहां पर करेंगे जो मैंने आपको समझाया देखिए फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड वन कोसेंट शेयर कैपिटल एक्वायर किया मतलब ट्वेंटी परसेंट किसके पास है एनसीआई के, के पास है ट्वेंटी परसेंट एनसीआई के पास है एक्विजिशन डेट पे शेयर कैपिटल और रिजर्व बता दिया आपको

ये देखो फाइव लाख तो पूरा प्री में चला जाएगा. लाख प्री तो आपका पोस्ट में चला जाएगा देखिए टेन लाख का कैश कंसिडरेशन दिया टू लाख शेयर दिया जिसकी फेयर वेल्यून पॉइंट एट करके मतलब थ्री लाखेंड का आपने दिया। और आपने बोला फाइव लाख रुपीज आज दोगे तीन साल के बाद दोगे तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू पॉइंट लगानी है PC आपका एक टेन लाख होगा कैश थ्री लाखेंड का शेयर होगा और लाइबिलिटी है जो तीन साल की बात होगी प्रेजेंट वैल्यू में लाइबिलिटी है और ये जो थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड है इसमें शेयर कैपिटल आएगा और आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा टू लाख लाख का शेर कैपिटल हो जाएगा

ठीक है ये मैंने ऐड कर दिया और मेरा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी जो है ये टेन लाख के इसमें भी थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड इन थाउजेंड्स में ऐड हो जाएगा आपका तो मैंने इसका इफेक्ट दिखा दिया थ्री सिक्सटी इधर भी डाल दिया और इधर भी थ्री सिक्सटी डाल दिया देखो तो टू थाउजेंड में टू हंड्रेड जोड़ दिया वन सिक्सटी इधर जोड़ दिया मैंने डाल दिया यहाँ पर और इसके अलावा एक और चीज है लाइबिलिटी जो है तो थ्री लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड आपका इधर भी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी में जुड़ जाएगा क्योंकि इसकी अकाउंटिंग नहीं हुई हुई इसलिए मैं अकाउंटिंग करना है इधर जुड़ जाएगा और थ्री सेवेंटी फाइव हम नॉन करंट लाइब्रेट में जोड़ेंगे लेकिन आपको बाद में पता चलेगा कि करंट लाइब्रेट में जोड़ देना ही सही है क्योंकि बाद में दो साल के बाद वो एक साल का बचेगा हाँ, मुझे पता नॉन करंट होगा पर जान मुझ के एक बार मैं करंट लाइब्रेट में जोड़ रहा हूं करंट लाइब्रेट में थ्री सेवेंटी फाइव मेरा जुड़ जाएगा यहाँ पर आपका तो ये मैंने इसका अकाउंटिंग इफेक्ट दिखा दिया ताकि बाद में हमें परेशानी ना हो जब हम बैलेंस शीट बनाए तो इसका ट्रीटमेंट मैंने कर दिया रिकॉर्ड नहीं किया हुआ मैंने रिकॉर्ड कर दिया डबल इफेक्ट देख लो थ्री सिक्सटी इधर और इधर थ्री सिक्सटी आ गया

तो दो साल तो बीत चुका है हमारा तो एक साल ही तो बचेगा ना इसीलिए मैंने इसको करेंट में रखा है और करेंट में थ्री सेवेंटी फाइव नहीं रहेगा आपका दो साल का डिस्काउंट एंड वेंडिंग भी तो होगा तो ये भी साथ कर ले यस ये भी साथ साथ कर लेते प्लस देखो थ्री लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो हमने प्रेजेंट वैल्यू में दिखाया था इसपे फर्स्ट ईयर टेन परसेंट चढ़ेगा थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड है ना

समझ में और ये यहाँ पर जोड़ दिया मैंने मैंने पहले ही कर दिया ये ये काम बाद में करते लोग हम, पहले ही कर लेंगे। हम बोलेंगे अब हमारे लिए जिंदगी थोड़ी आसान होगी तो देखिये इधर का हमने सारा काम कर दिया इधर ये बैलेंस हमारा दिया हुआ है अब हमें नीचे फर्दर इंफॉर्मेशन पढ़ने से काम हो गया ये एकदम लास्ट में कर लेंगे

तो ये जो एडिशनल भी तो आएगा अगर आप एडिशनल फेयर वैल्यू बढ़ाओगे टू लाख का तो भी तो तो एडिशनल भी आएगा नेक्स्ट आगे जाके पोस्ट एक्विजिशन जबकि दो साल के बाद हम बिजनेस कंसोलिडेशन कर रहे हैं दो साल के बाद हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं तो दो साल का डप्रिशिएशन भी तो होगा एडिशनल लाख पांच सालों में डप्रीसिएशन करना है पांच साल की लाइफ में तो हर साल फोर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड्रिशिएशन होगा एडिशनल डप्रीशियशन दो साल का कितना होगा एटी थाउजेंड होगा जो कि पोस्ट में चला जाएगा तो आपका ये इफेक्ट में क्या करूं देखो प्री में मैंने टू लाख बढ़ाया है

होल्डिंग और एनसीए का निकाल दिया तो मैंने प्री पोस्ट कर दिया अब आपको याद है मैंने बताया प्री पोस्ट करने के बाद आप एनसीए निकालोगे देखो और फिर गुडविल निकालोगे तो प्री पोस्ट करने के बाद मुझे एनसीए निकालना निकालना है तो एनसीए मेरे लिए बहुत सिंपल सी बात है। मैं एक बार इसको मिटा रहा बारूंगा ये लास्ट में करूंगा मैं ये मिटा रहा हूं मैं और एक चीज मिटा रहा हूँ मैं यहां पर ये भी मैं मिटा रहा हूं लास्ट में करूंगा गुडविल वाला ट्रीटमेंट लास्ट में करूंगा मैं इसी निकाल लिया आपने प्री पोस्ट कर लिया आपने

लेकिन अगर मान लीजिए एनसीए पसीना मेथड में मेजर होता तब ये गुडविल पूरा का पूरा किस में जाता पेरेंट में जाता जबकि फुल गुडविल है तो दोनों का बंटवारा होगा टू लाख फिफ्टी एट थाउजेंड का ट्वेंटी परसेंट ही एनसीए को जाएगा फिफ्टी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड के खाते से कम होगा तो हम क्या करेंगे फिफ्टी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड के खाते से कम कर देंगे और बचा हुआ एट्टी परसेंट टू जीरो सिक्स फोर डबल जीरो बैलेंस आ जाएगा और अब आपका गुडविल जो है वो इतना नहीं रहेगा ट्वेल्व लाख नाइनटी थाउजेंड आपका था माइनस टू लाख फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी एट थाउजेंड हो जाएगा टेन लाख थर्टी टू थाउजेंड अब दिखाओगे तो बैलेंस शीट में आप क्या करोगे बैलेंस शीट आपको हुआ बनाना है जैसे आपका बैलेंस शीट था वैसे ही आपका बनेगा तो देखो मैं यहाँ पर ही लिख के दिखा देता हूँ इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं आएगा, आएगा आपका ये इन्वेंट्री आपका सिक्स फिफ्टी आएगा रिसीवे सिक्स हंड्रेड आएगा कैश आपका टू फिफ्टी आएगा ये हमने दिखा दिया पूरा का पूरा ये सारा अब आपका इसमें एक और चीज आ जाएगा गुडविल

प्लस फोर्टी वन पॉइंट टू फाइव टू थ्री फाइव थ्री पॉइंट सेवन फाइव ये तो सारा चीज हमने किया तो मैंने अब आपका बैलेंस शीट जो बनाया आप देखो मैंने बैलेंस शीट में ये एडजस्टमेंट किया था गुडविल जो आया मैंने दिखा दिया आपका पूरा इन्वेंट्री टोटल कर दिया टीआर टोटल कर दिया कैश टोटल कर दिया शेयर कैपिटल सिर्फ अपना लिया है और ये आपका जो एक्स्ट्रा से रिकॉर्ड नहीं हुआ था वो था अदर इक्विटी बैलेंसिंग हमने अदर इक्विटी से दिखाया ये सिक्योरिटीज प्रीमियम था एनसी आपने जो निकाला था वही दिखाया आपने नॉन करेंट करेंट लाइबिलिटी आपने दिखा दिया बैलेंस शीट आपका मैच करी गई तो बैलेंस शीट आप हु दीजिए विद नेसेसरी एडजस्टमेंट लास्ट में बस आपको क्या क्या दिखाना होता है ये अदर इक्विटी का हिसाब निकालोगे वर्किंग में ये एनसीआई का भी हिसाब निकालोगे वर्किंग में वो दिखाओगे ये गुडविल का भी हिसाब निकाला वर्किंग में ये दिखाया ये तीन चीज हमेशा हमें निकाल के वर्किंग नोट से चिपकाना होता है एक तो गुडविल मैं चाहता तो बैलेंस शीट में भी सीधा निकाल सकता था पर मैं नहीं चाहता उससे वर्किंग में आप कॉम्प्रोमाइज करो तो बेहतर है आप गुडविल का वर्किंग पहले एनसीआई का वर्किंग करके निकल जाएगा गुडविल का भी वर्किंग निकल जाएगा और आपका अदर इक्विटी का भी वर्किंग निकल के आ जाएगा बाकी तो टोटल करना है बाकी ये वाला एक जो है ये वाला को ध्यान देना ये आपका जो आया कैसे आया एक बार आप प्रैक्टिस करोगे आराम से होगा क्वेश्चन में दम इसी तरीके से तो हमने सारा क्वेश्चन किया ऐसे भी पीसी निकाला प्री पोस्ट में बंटवारा किया और ये वाला से आपका एनसीआई तो आ गया थ्री एटी फेयरवेल हुआ है ये डाला एनसीआई आ गया बस गुडविल इंपेयरमेंट एक जो नई चीज है वो दोनों तरफ माइनस हुई है अदर इक्विटी और इसमें माइनस हुई है ये नई चीज है इसको ध्यान रखना है और बाकी गुडविल तो आपने निकाला था और वो अल्टीमेटली जो माइनस हुआ है वो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट यहाँ या या तो कुछ था ही नहीं और तो मेरे ख्याल से आपको इसमें नोट ये डाल देना है इसमें आपको क्या क्या चेक करना है पता गुडविल का ट्रीटमेंट और आपका क्या था ना जो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी एंड अनवाइंडिंग का ट्रीटमेंट अनवाइंडिंग का ट्रीटमेंट ये दो चीज बस आपको करना है ये दो ट्रीटमेंट करो बाकी मेरा जो सॉल्यूशन था आपको मिल ही जाएगा पीडीएफ में आपको शेयर कर ही दूंगा यहाँ पर विद आरटीपी के साथ ही पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं ऐसा कि उसमें आरटीपी भी रहेगा और ये पीडीएफ भी उसी के साथ ही रहेगा आपका इसी के साथ हमने डेढ़ घंटे में आप देखोगे तो हमने डेढ़ घंटे में पूरा निपटाया ये थोड़ा मैंने स्पीड में पढ़ाया एंड ये तो ऑलरेडी में भी मेरा पहले से डाला हुआ है किसी को और ज्यादा वैसे करना पर वो मती देखो ये तरीका सही है जो मैंने अभी करा है। तो एक मैंने थोड़ा स्पीड में कराया पर मैंने अच्छे से समझा दिया है गुडविल आपको कहीं पर और ध्यान अब मैं हाईलाइट वो हटा दे रहा हूँ जहां पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है ये सब में जो जो ध्यान की जरूरत है वही हाईलाइट करता हूँ ये सब आप पक्के खिलाड़ी बन गए हो अब इसमें भी हाईलाइट नहीं करना ये साइमल्टेनियसली पी एम प्लांटन मसनेरी को भी ठीक करते जाना बस ये गुडविल में ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी यस yes, जो मैंने हाईलाइट किए और इस पे और तो कहीं पर रहेगा ही नहीं यस yes, और कहीं पर नहीं रहेगा तो जो जो ध्यान देने की आवश्यकता वो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। बाकी मैंने स्टार भी यहाँ पर रख दिया करके डन तो इसी के साथ हमारा आरटीपी पूरा का पूरा अच्छे से खत्म होता है अब एक और वीडियो हमारा आए जहाँ पर हम एम देख लेंगे नवंबर टू थाउजेंड से रिलेटेड एम जो कुछ है एम को कुछ क्वेश्चन होंगे अच्छे क्वेश्चन जो आपके मान लीजिए नए क्वेश्चन है तो हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे ये वीडियो हमारा ये खत्म करते हैं।